हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में बेसिकली मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, लाइट रूम में मल्टीपल कलर कैसे यूज़ करें। अपनी एक एडिट से हर एक पिक्चर में मल्टीपल कलर एडिट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करते हैं अपना लाइट रूम, ठीक है। लाइट रूम ओपन करने के बाद गाइस बेसिकली आपको एक पिक्चर ऐड करना होता है। तो ऐड फोटो में क्लिक करके मैं जैसे एक पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, आपको सेम तरीके से एक पिक्चर ऐड कर लेनी है। बेसिकली मैं इस पिक्चर को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको सेम तरीके से और एक पिक्चर को ऐड कर लेनी है। पिक्चर को ऐड करने के बाद गैस पिक्चर को थोड़ा ऐड होने में टाइम लगेगा। टाइम होने के बाद गैस आपको क्लिक करके पिक्चर को कर लेनी ऐड, ठीक है गैस। ऐड होने के बाद गैस आपको राइट पे नीचे स्क्रॉल करनी है, ठीक है। इस पिक्चर को मैं अभी एडिट करूँगा, ठीक है, तो आपको राइट पे टूल दिख रहा होगा, नीचे स्क्रॉल करनी है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद गैस आपको इस वाले आइकॉन पर क्लिक करनी है, ठीक है, इस वाले आइकॉन पर। इस बार क्लिक करने के बाद गैस आपके यहाँ पर कूल लाइट का ऑप्शन मिल जाता है गैस, ठीक है। क्रिएटिव पे जानिए, कूल लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, CWL लाइट, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर लेनी है, ठीक है। क्लिक करने के बाद गैस आपको सीधा राइट पे ऊपर राइट पे करके सेव कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद गैस आपको सीधा कलर वाले ऑप्शन पर जाने हैं। आपको नहीं पता तो इस वाला है कलर वाला ऑप्शन, ठीक है। उस पर आने के बाद गैस आपको ऊपर वाले मेन कलर वाले ऑप्शन पर आने एंड सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये -30 के आसपास रख देनी है, ठीक है गैस। स्टेप बाय स्टेप समझना, स्टोरेशन को आपको 20 के आसपास रखनी है, ठीक है, एंड लिमिट्स को आपको +40 कर देनी है, ठीक है गैस। उसके बाद सीधा ब्लू वाले आइकन पर, नहीं ग्रीन वाले आइकन पर आ जाता है। ह्यू को आपको पूरा माइनस कर लेनी है, ठीक है। स्टेरेशन को आपको माइनस करनी है, ठीक है, एकदम -100 कर लेनी है, ठीक है गैस। एंड लिमिट्स को आपको +30 करनी है। एंड उसके बाद जाना है ब्लू पे। ब्लू पे जाने के बाद गैस स्टेरेशन को आपको +100 कर लेनी है, ठीक है। एंड लिमिट्स को आपको माइनस की तरफ कर लेनी है, ठीक है, -20-25 आसपास, इतने आसपास ही रखनी है आपको, ठीक है गैस। एंड उसके बाद गैस आपको फर्स्ट वाले पे आ जानी है, ठीक है। स्टोरेशन को आपको +50 के आसपास करनी है, 50-50 के आसपास रख सकते हैं आप, ठीक है। एंड उसके बाद लिमिट्स को भी आपको प्लस करनी है, ठीक है, लिमिट्स को आपको 20 प्लस करनी है। एंड उसके बाद डन कर लेनी है, ठीक है। एंड उसके बाद गए सबको यहाँ पर डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, नॉइस रेडिएशन को आपको +80 कर लेनी है, ठीक है गैस। सेम तरीके से गैस आपको स्टेप बाय स्टेप कर लेनी है, ठीक है। एंड अब देखनी है अपना पिक्चर एक्स्ट्रा ब्यूटी मोड हो गया है, ठीक है गैस। एंड उसके बाद गैस आपको अपनी विजिनिटी को आपको थोड़ा कम कर लेनी है, -15 करनी है, 10-15 कर लेनी है, ठीक है गैस। एंड 10-15 करने के बाद गैस अपना पिक्चर हो जाएगा, यहाँ पर वन इफेक्ट में आपका पिक्चर हो जाएगा रेडी, ठीक है। आपको टेक्सचर को हाथ नहीं लगानी है, ठीक है, जस्ट मैं ऐसे कर रहा हूँ। क्लैरिटी को आपको माइनस कर देनी है, ठीक है। एंड टेक्सचर को आपको हाथ नहीं लगानी होगी, ठीक है गैस। आप कर सकते हैं टेक्सचर को 30 जैसे कि मैं कर रहा हूँ, वैसे भी आप कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है गैस। एंड अपना पिक्चर हो जाएगा रेडी। मैं आपको जूम करके दिखाया तो कोई सा भी पिक्चर नहीं फटा है गैस, आप फुल HD अपना पिक्चर हो जाएगा रेडी, ठीक है। जस्ट वन इफेक्ट, एक ही इफेक्ट है, ठीक है। एंड इस इफेक्ट को मैं अभी कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अभी सेम इफेक्ट मैं दूसरे वाले पिक्चर में यूज़ करूँगा, जैसे कि मैं इस पिक्चर को सेव कर रहा हूँ, ठीक है। सो गैस इस पिक्चर को सेव होते होते आप चैनल पर नए तो चैनल को जगह सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो अच्छा लगे तो गैस अच्छे से एक कमेंट कर देना गैस, एंड वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। तो गैस इस पिक्चर अभी तक सेव नहीं हुआ। सो गैस फाइनली अब इस पिक्चर को सेव हो गया, ठीक है गैस। तो एंड उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करके आपको कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके टूल, ठीक है, एंड जियोमेट्री को सिलेक्ट करके आपको राइट पर क्लिक करके सेटिंग को कर लेनी है कॉपी। एंड गैस आपको यहाँ पर अपने हिसाब से पिक्चर ऐड करनी है। बेसिकली मैं यहाँ पर 3-4 पिक्चर ऐड करूँगा, ठीक है गैस। तो ऐड करने के बाद गैस आपको बस पिक्चर के क्लिक करनी है, पिक्चर को बस सेव करनी है, ठीक है। मतलब आपकी जो सेटिंग आपने कॉपी किए थे, ठीक है, उस सेटिंग को आपको इस पिक्चर पे पेस्ट करनी है बेसिकली, ठीक है। तो मैं 3-4 पिक्चर को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये पिक्चर जैसे कि इस पिक्चर को भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड गाइस सीधा हम क्लिक करके ऐड पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद एक पिक्चर को हम कर लेते हैं ओपन। तो बेसिकली मैं इस पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस सीधा मैं राइट पे क्लिक करूँगा, राइट पे 3 डॉट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करूँगा, नीचे स्क्रॉल पेस्ट का सेटिंग आना पेस्ट करूँगा। सो गाइस पिक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।